नमस्कार, मैं हूं दिव्या। नो द नेशन पर आज हम बात करेंगे एक ऐसे जर्नलिस्ट की जिनकी रिपोर्टिंग ने सैकड़ों बार भारत की सिक्योरिटी को हानि पहुंचाई है, जिन्होंने खास तौर पर पड़ोसी मुल्क के नैरेटिव को बढ़ावा दिया है। सही पकड़े हैं, वो हैं बरखा दत्त जी। 2017 में वॉशिंगटन पोस्ट में उन्होंने डीमोनेटाइजेशन को लेकर मोदी जी की आलोचना की और 2016 में NDTV पर लिखे गए एक ओपन लेटर में गुजरात हिंसा से लेकर JNU तक मोदी जी के निर्णयों को गलत बताया गया। 2020 का एक रिपोर्ट जिसमें मोदी सरकार को कोविड संकट के दौरान लोगों को बेघर करने का जिम्मेदार ठहराया गया और उनकी किताब टू हेल एंड बैक ह्यूमंस ऑफ कोविड में भी पीएम मोदी के कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़ी ऐसी ही कहानियों का फेक नैरेटिव है। 2021 में द बोजो स्टोरी के जरिए वाराणसी में कोविड की आपदा को लेकर मोदी जी की छवि को धूमिल करने वाली रिपोर्ट दी। 2023 बॉटम लाइन विद बरखा के एक एपिसोड में मोदी सरकार पर उर्जित पटेल के रेजिग्नेशन के पीछे होने का आरोप लगाया। द फैक्ट इज स्ट्रेंजर फॉर देम एज दे लिव इन देयर फिक्शन, क्योंकि फैक्ट ये है कि मोदी जी ने देश को मजबूती से संभाला, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन हो या कोविड जैसे वंस इन अ लाइफ टाइम पैंडेमिक का मैनेजमेंट। उनके डिसीजंस ने भारत को एक नई दिशा दी है और जो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बूम है देश में, उस काम का दूर दूर तक कोई जिक्र ही नहीं किया है बरखा जी आपने। विद दिस वी लीव यू टू पॉन्डर इज बरखा दत्त माइस्ट्रो ऑफ अनबायस्ड जर्नलिज्म और अ स्टोरी टेलर विद अ पेंशेंट फॉर एंटी इंडिया नैरेटिव्स। लेट्स क्रश फेक नैरेटिव्स टुगेदर ऑन नो द नेशन।